हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, मैं खड़ी हूँ बालकनी में और ये देखिए एक कबर्ड बालकनी में रखा हुआ है। थैंकफुली बारिशें खत्म हो गई है और बारिश नहीं हो रही है। प्लीज दुआ कीजिएगा जब तक ये है बारिश ना हो, क्योंकि घर में जगह बहुत कम है और हमारे वाले रूम में काम चल रहा है तो सामान रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये एक कबर्ड यहाँ रखा हुआ है, ये मेरे पीछे एक सूटकेस रखा हुआ है और अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डंप की हुई हैं हर पॉसिबल रूम में। तो अब आप लोगों ने देखा ही होगा शोएब के ब्लॉग में कि हम लोगों ने कैसे बड़ी मुश्किल से जगह बना के वहाँ पे रात पे हम सोए हैं, पर अब काफ़ी काम हो गया है। तो अभी आई थिंक मैक्स दो दिन और एंड वी शुड बी एबल टू शो यू द न्यू रूम। मैंने सोचा इस वक्त रूम जिस हाल में एटलीस्ट एक झलक दिखा दूँ। ये देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्क हो चुका है। ये कबर्ड पे अभी हाइड्रोलिक लग रहा है और हैंडल्स लगने बाकी हैं। ये वॉल पूरी लेवल हो गई है, यहाँ पे वॉलपेपर आएगा, ये क्लीनिंग पेंटर भैया करेंगे और यहाँ पे टीवी आएगी। ये मैंने इस तरफ भी इस बार स्टोरेज कबर्ड्स बना लिए हैं और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर, यहाँ पे फुल लेंथ मिरर आएगा और यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल। और ये जनाब आज एकदम अलसाए हुए यहाँ बैठे हैं, इनकी शक्ल पे देखो क्या हो गया। चलो उठो, चलो उठो। नहीं हाँ, मेरे को जाना है, आपको नहीं आना, आपकी मर्जी। धूप है, ये धूप है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धूप नहीं है, बाहर मार्केट जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। हम तो मार्केट रास्ते पे थोड़ी चलना है, दुकान के अंदर बिठाना है आपको। अच्छा ही हुआ कि हम लोग बाहर चले गए ये सब होने से पहले, क्योंकि आप जितना भी सोच समझ के ऐसे वक्त पे सामान रख दो लेकिन वो मिलता ही नहीं है। तो अभी लिटरली जो जो बैग्स में पैक्ड है वही निकाल निकाल के मैं पहन रही हूँ, तो मेरी मोजड़ी मुझे मिल गई, वरना मुझे पता नहीं क्या चप्पल में घूमना पड़ता। चलो फिर मैं जा रही हूँ। तो ये जनाब का आलस हैज टेकन ओवर एंड ही इज नॉट एबल टू फाइट इट, सो आई एम गोइंग। सो बाहर निकलने से पहले मैं आ गई ऊपर, यानी कि सबा के फ्लैट पे। यहाँ पे फर्नीचर बन रहा है और ये देखिए हमारा आधा पोर्शन बेड रेडी है। So, निकल गई हूँ मैं बाहर के कामों के लिए। आपने देखा आज काफी चीजें हैं, मतलब बेड भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस आज अभी पेंटर भैया जो है उनका पूरा काम हो गया है तो वो फाइनल क्लीनिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम जाके बेड असेंबल करवा देंगे। तो तब तक मैं जा रही हूँ फर्निशिंग वाली शॉप पे, उनको कर्टन के पैटर्न में कुछ कंफ्यूजन था तो वो क्लियर करना है। प्लस पापा के लिए मैंने कर्टन्स ऑर्डर किए थे क्योंकि उनको मरून कर्टन्स चाहिए थे वेलवेट वाले, तो मैंने वो ऑर्डर किए थे जाने से पहले, तो वो रेडी है, वो भी पिकअप करेंगे। बहुत सारे काम है अब, उसके बाद सब्जी लेने जाना है, उसके बाद मेडिकल भी जाना है, टू मेनी थिंग्स। एक्चुअली आजकल ऐसा हो जाता है ना, घर में कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, लाइफ इज बिकम सो बिजी, वर्क फिर घर के काम सब कुछ। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। सो एक्चुअली एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मजेदार चीज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देर इज वन ब्रांड जो पूरी शिद्दत से लगा हुआ है हमारी लाइफ कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए, और वो है क्या, वो सब मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। चलिए अभी फिलहाल बाहर के काम खत्म करते हैं। सो ये काम लिस्ट में नहीं था लेकिन ये भी मैंने कर दिया। ये लैंप मुझे अच्छा लगा तो मैंने बेडरूम के लिए ले लिया। फिर मैं गई मेडिकल, वहां से मैंने अपना सामान लिया। बेसिकली ये दवाई जो है कड़ल की है, कड़ल की दवाई खत्म हो गई थी। और फिर देखिए रास्ते में चलते चलते हमें क्या दिखा और हम रुक गए। कार में बैठी बैठी गुजर रही थी यहाँ से, संतोष भैया ने देखा, बोला मैम यहाँ पे देखो झूले मिल रहे हैं, तो अम्मी ने बोला था कि उनको झूला दिला देना, तो मैंने ये वाला फाइनल किया है और ये भैया कह रहे हैं वो आधे घंटे में भेज देंगे तो अम्मी खुश हो जाएंगी आज। So, आ गई हूँ मैं घर, आधे काम हुए आधे नहीं हुए, मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा। पर जब भी घर पे इस तरह का रेनोवेशन का काम हो रहा हो तो ऐसे ही होता है ना कि एक पल आप जाओ फिर वापस आ जाओ फिर दोबारा जाना पड़ता है। एनीवेज बहुत सारा काम, बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज है जो बहुत सॉर्टेड है, जिसके बारे में मैंने आपसे कार में भी बात की थी, जिक्र किया था, और वो है ये है गाइस पैनासोनिक की मिराई ऐप। नाउ दिस ब्रांड पैनासोनिक ये पूरी तरह से जुटा हुआ है हमें एक फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिससे कि हम अपने घर को एक स्मार्ट होम बना सकें। यू नो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा और हम कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आप अपने घर में पैनासोनिक के अगर वो प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि मिराई एनेबल्ड है, तो बस आप अपने फोन के एक क्लिक से उसे ऑपरेट कर सकते हैं चाहे आप जहां भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट्स, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, डोरबेल, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है वॉशिंग मशीन। चलिए
सो मेरे पास जो पैनासोनिक का प्रोडक्ट है जो कि मिराई एनेबल्ड है वो है इनकी वॉशिंग मशीन. सो इन शॉर्ट मैंने अपने कपड़े धोने की सारी ड्यूटी इस वॉशिंग मशीन और मिराई ऐप को सौंप दी और मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ. सो देखिए यहाँ पे इस ऐप में जो है मेरी वॉशिंग मशीन एनेबल्ड है, कनेक्ट हो चुकी है. अब यहाँ दो ऑप्शंस है, या तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज करके अपने हिसाब से कितने टाइम कितना कपड़ा क्या पावर एक्स वाई जेड अ लॉट ऑफ थिंग्स सिलेक्ट कर लूं, या फिर यहाँ पे इनका एक वॉश विजार्ड है. इसमें करीब 16 प्रोग्राम्स ऑलरेडी फीडेड हैं, तो आप यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स आप चाहें, ये देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, या तो कर्टन्स, डेनिम्स, जीन्स, स्पोर्टवेयर. सो यू नो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके का फैब्रिक डाल रहे हैं, उनके स्टेन्स किस तरीके के हैं, सिर्फ वाइट्स हैं, फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, डेलिकेट है या उसको रफ वॉश चाहिए, आप यहां से अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं. एंड उसके बाद सारा प्रोग्राम विल बी टेकन केयर बाय द मशीन. तो अब मैं अपने हिसाब से अपना सिलेक्शन ले रही हूं और उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे सिलेक्शंस आपको करने हैं. कलर, आपके क्लोथ्स कितने डर्टी हैं, ये एक बहुत फायदेमंद चीज है. आप जानते हैं मैं तो चीजें गिराती रहती हूँ, तो अगर आपके कपड़े पे कोई रफ स्टेन है जो कि आसानी से नहीं निकलेगा, तो आपको डर्ट लेवल सिलेक्ट करना है एंड फिर ये मशीन खुद डिसाइड करेगी, वॉश विजार्ड खुद डिसाइड करेगा कि इसको कितने समय तक आपके कपड़े धोने हैं. सो दैट स्टेन विल गो और उसके बाद ही आपका कपड़ा बाहर निकलेगा. आपने वॉश विजार्ड में सिलेक्शन कर लिया, अब आपको वो बोलेगा कि आपको इसमें डालना है डिटर्जेंट यहाँ पे और फिर आपको इसमें कपड़े लोड कर देने हैं एंड उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है. हो गई है मेरी मशीन स्टार्ट, अब कपड़े आराम से धुल के निकलेंगे, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके घर में अगर एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट भी है ना, तो आप उससे भी ये कनेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने तो अपने घर का ये एक काम पूरी तरह से पैनासोनिक विद मिराई को सौंप दिया है. अगर आप चाहें तो आप भी टेंशन फ्री हो सकते हैं, ले आइए घर पैनासोनिक विद मिराई. यार वो झूले वाले भैया ने मेरा पचका कर दिया. मैंने उनको बोला था कि आते वक्त मतलब जब आप भेजोगे तो मुझे मैसेज या फोन कर देना ताकि मैं नीचे जाऊं, यहाँ अम्मी मुझे सरप्राइज दे रही है कि झूला देख लो आके. कैसा लगा? कुछ और काम से गई थी तो रस्ते में दिख गया और सोचो संतोष भैया को दिखा, फिर संतोष भैया ने बोला मैम मुझे कुछ झूला, तो मैंने तुरंत ले लिया. ठीक है, सही है. बस इसमें तेज नहीं झूलना, इतना ही. ठीक है ना, अभी इसी के लिए फिर जल्दी आना. पकड़ो दोनों हाथ से, पकड़ो. अब पैरों से हिलाओ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, बस धीरे धीरे. हाँ जी, सो हो गई हूँ मैं रेडी और अभी हम निकल रहे हैं. हमें जाना है ममता और अशरफ भाई के यहाँ, हमें कुछ काम भी है वहाँ पे और अब जानते हैं हम क्या लेके जा रहे हैं. हम लेके जा रहे हैं ये. आप में से जिसने शोएब का व्लॉग देखा होगा, आप लोग जानते होंगे कि वो आए थे. उस दिन अशरफ भाई का बर्थडे भी था और ममता और अशरफ भाई की वेडिंग एनिवर्सरी भी थी. हमने अशरफ भाई के लिए केक मंगवा के रखा था जो हम भूल गए क्योंकि हम गप्पों में लग गए. और उनके जाने के बाद जब मैंने फ्रिज खोला, मैं बोला केक तो यही रह गया. तो आज हम जा रहे हैं, तो हम केक लेके जा रहे हैं और हम एक बिलेटेड सेलिब्रेशन करेंगे. सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ केक कटिंग करेंगे. हाँ जी, हाँ जी, सही लग रहा है. अभी पहले भी अच्छा लग रहा है? नहीं, अभी अच्छा लग रहा है. अब जो बैग्स में है वही निकाल निकाल के पहनो. और हम पहुंच गए ममता और अशरफ भाई के घर. तो बहुत गप्पे मार ली, बहुत अच्छा अच्छा खाना वाना खाया. शी इज अ फैब 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 कुक, बहुत ही अमेजिंग सी चीजें आज हमने खाई. और अब फाइनली और हम उस दिन भूल गए थे जो हमने मिस्टेक की थी, आज हम उसकी भरपाई. मैंने कहा था कि हम केक लेके आएंगे और हम केक लेके आए और अशरफ भाई से कट कर लेंगे. यस, भाई आज विश करते हैं कि आपका जो नया गाना आने वाला है, अल्लाह करे वो बहुत बड़ा हिट हो.
पहले आपको। अरे भाई बहुत बहुत मोर चलो मैं आपको ये खिला देती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारी पसंद है? ऐसा मत बोलो ना, सच्ची बताओ। अच्छा लग रहा है। कुछ डिफरेंट एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। अभी यहाँ पे वो बेड बैग आएगा। सही। पक्का? हाँ। कटलू रूम अच्छा लग रहा है, रूम अच्छा लग रहा है। कटलू तुमको अच्छा लगा? ताली दो, ताली दो। अरे वाह वाह, अच्छा लगा। सो हम आ गए हैं वापस घर और ये रूम बहुत कुछ काम यहाँ पे हो चुका है। मोस्टली जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो कल हो जाएंगी और मेरी आवाज यहाँ एको कर रही होगी, तो कल रात तक इंशाल्लाह मैं यहाँ पे एटलीस्ट सामान वामान शिफ्ट कर पाऊंगी। मुझे तो रूम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। जब कंप्लीट फिनिश हो जाएगा तब आई एम श्योर और भी अच्छा लगेगा। बट जैसे मैंने हर चीज़ सोची थी, जैसे मुझे यहाँ पे इस तरीके का एक लैम्प चाहिए था, ये लैम्प मुझे सही मिल गया। मुझे बहुत मन था ब्रिक वॉल पेपर लगाने का। यहाँ पे भी इस बार वाइट कर्टन्स ही आएंगे बिकॉज उससे रूम और स्पेशियस लगेगा। जो फर्नीचर है वो पूरा वाइट हो गया। आई एम वेरी एक्साइटेड। कल टीवी लग जाएगी इंशाल्लाह, तो बस अब वेट नहीं हो रहा है कि कब रूम रेडी हो पूरी तरह से। बहुत समय से ये रूम ड्यू था, बहुत समय से, पर हो गया और अच्छा हुआ है और सब सुकून से हो गया। पापा को भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब बस किचन बचा है, आप देखिए किचन का मौका कब मिलता है, उसके बाद करेंगे। एक ही करके चीज़ करो तो कन्वीनियंट भी रहता है। और बालकनी इस बार मैं बहुत, बालकनी में यहाँ पे एक सिट आउट बनने वाला है जो भी मैं बहुत वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे बाहर बैठने में बड़ा मज़ा आता है, तो आई एम श्योर ये भी बहुत अच्छा होगा। सो बस गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आज का बहुत बिजी दिन रहा, बहुत बिजी लेकिन बहुत मज़ेदार दिन भी रहा। सो आप बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा मेरे साथ पूरा दिन बिजी रह के। मज़ा आया, आई एम श्योर मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है। प्लीज़ 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 प्लीज़, और साथ बने रहिएगा। इसी तरह से आपसे जितना हो सके चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी।